नमस्ते दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं और प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हिंदुओं को तोड़ने और राज करने की नीति पर सभी काम कर रहे हैं। किसके इशारे पर कर रहे हैं, आप और हम सभी जानते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और उसके तुरंत बाद जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उनसे यही जाहिर हो रहा है कि वो केवल और केवल हिंदुओं को तोड़ने में अब पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आप ये अखबार की कटिंग देख सकते हैं। वाराणसी में ये मुख्य खबर बना करके, प्रथम पृष्ठ की खबर बना करके छापा गया है कि वाराणसी में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर हैं जिनकी तादाद है 3 लाख। उसके नीचे हैं सब, यानी कि ब्राह्मण हैं तो 2.5 लाख हैं, क्षत्रिय हैं तो 2 लाख हैं, कायस्थ हैं तो इतने हैं, चौरसिया हैं तो इतने हैं, दलित हैं तो इतने हैं। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मुस्लिम जो कि एक मजहब है, दूसरी तरफ वो जातियों में बांट करके हिंदुओं को दिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं स्पष्ट कि वो 11 लाख से ऊपर हैं। अर्थात केवल हर जगह पर इन लोगों को जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं उसके माध्यम से सेकते हैं। सेके हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हिंदुओं को बांट करके दिखाने की कोशिश क्यों की जाती है? इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही क्लियर एंड कट हैं। और जैसे कि आज का हमारा विषय भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी एंगल से मुसलमानों को इस देश में अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, वो उनको मुसलमान मानते हैं। और इस बात की झलकी भी हमको वाराणसी से ही देखने को मिली, जिस समय पर अंजना ओम कश्यप आज तक की पूरी टीम उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची थी, नरेंद्र मोदी जी क्रूज पर बैठे हुए थे और अंजना ओम कश्यप ने एक उनके ऊपर सवाल दागा कि क्या लगता है आपको कि अल्पसंख्यक आपसे खुश हैं, कि अल्पसंख्यकों के प्रति आपकी जो नीतियां बनी हैं या फिर जो आप लोगों की विचारधारा है वो क्या अल्पसंख्यकों के प्रति वैसी है कि वो आपको अपना बना सके? तो अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं, वो अपने आप में ही अद्वितीय है। उनका जवाब ना केवल उस समय पर सामने बैठी हुई पत्रकार अंजना 786 कश्यप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, बल्कि उसी के साथ ही साथ इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करने वाले जितने भी राजनेता हैं और चप्पल चाट पत्रकार हैं उन सबके चेहरों पर भी वो तमाचा बहुत जोर का लगा है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अल्पसंख्यक क्या एक खाई अल्पसंख्यकों और बीजेपी के बीच में बन गई है? ये सही नहीं है। हम अकाली दल और बीजेपी सिखों के साथ मिलकर के सरकार चलाते रहे। पारसी गुजरात से मैं हूँ, पारसी कम्युनिटी हमेशा उनके साथ मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं। ईसाई समाज मेरे मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई समाज है, मिलजुल करके उनके विकास के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा वो काम नहीं है। अब वोट बैंक के लिए कोई भड़काते रहे तो सवाल उनको पूछना चाहिए। इस बात से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी जी एक 20% यानी कि एक हाई मेजोरिटी जनसंख्या हिंदुओं के बाद में जो हिंदुस्तान में है उसको किस तरीके से अल्पसंख्यक मान ले भला। वो दूसरी बात है कि हमारी संवैधानिक चीजें, हमारे जो कोर्ट से जुड़ी हुई चीजें या फिर हमारे सदनों से जुड़ी हुई चीजें हैं, प्रस्तावों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनमें वो सीधे जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी इंटरनल मेंटेलिटी है, जो उनकी खुद की सोच है, उसके तहत उन्होंने कहीं भी अल्पसंख्यकों में, माइनॉरिटी में मुसलमानों को नोटिस किया ही नहीं है। इसके बाद में अंजना ओम कश्यप को दोबारा बोलना पड़ा कि मैं मुसलमानों की बात कर रही हूं, तो तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने कहा हाँ मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं तो मैंने कभी भी किसी भी योजना में जाति मजहब पंथ नहीं देखा है और सबको समान रूप से अपनी सभी योजनाओं का लाभ दिया है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक नैरेटिव पैदा हो रहा है इस देश के अंदर, और जिस नरेंद्र मोदी को हम चाहते थे कि वो इस देश में समानता और न्याय का माहौल बनाए, कि जो लोग आज 20% से ऊपर हो चुके हैं, जो लोग दिन दहाड़े 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की धमकी देते हैं, जो अपनी आबादी और अपनी तादाद को लगातार बढ़ा रहे हैं,
अब अगर नरेंद्र मोदी जी का इस कॉन्सेप्ट पर उनका व्यू एकदम क्लियर है तो बस थोड़ा सा एक पॉइंट एक और क्लियर हो जाए कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही आना चाहिए। और मैंने इस विषय में आपको कई बार कहा है, कोई भी वोट मांगने आए आप उससे कहें कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए क्या कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको कहा था कि किन के इशारों पर ये हिंदुओं को बांटने और राज करने की नीति पर हमारा देश का प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया काम कर रहा है, किसके कहने पर ये लोग आम उठाए घूम रहे हैं और वैरायटी पूछते फिर रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सीधे आपको लेकर के चलेंगे राजस्थान। राजस्थान की ये खबर, ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपके होश फाकता उड़ सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जिसकी ना तो कोई आंतरिक न्याय की व्यवस्था थी, ना ही जिसके कोई बाह्य न्याय की व्यवस्था है, उन लोगों ने राजस्थान में गरीब लोगों को एक फॉर्म बांटा। उस फॉर्म पर लिखा हुआ था कि आप इस फॉर्म को भर के हमारे पास जमा कर दीजिएगा, जमा करने के बाद में आपको 72,000 रुपये सालाना मिलने शुरू हो जाएंगे। जो गरीब लोग होते हैं इस देश में, स्थिति वो आज भी बनी हुई है। जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन लोगों को बहकाया गया, उनको फॉर्म दिया गया, ये सभी लोग फॉर्म लेकर के सरकारी दफ्तर पहुंचे, ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने फॉर्म भर दिया है। आगे की सारी बातें आप इस वीडियो में देखें। कांग्रेस ने तो निकाली योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों की नहीं है। ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो बन रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छाप। दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश के भोले भाले और मासूम लोगों का कितना बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। ऐसी पार्टी को जो अभी से ही धोखा देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, क्या हम लोगों को ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए? ये फैसला हमारे सभी लोगों को करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा, आप लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप लोग प्लीज़ कुछ बुजुर्ग लोगों में जाना शुरू करें, उन लोगों को ये वीडियोस, ये क्लिप्स दिखाने शुरू करें कि आप लोगों के भोलेपन का, आप लोगों के सीधेपन का, आप लोगों के जो आप नहीं पढ़ पाए हैं उस अनपढ़ता का लाभ ये लोग उठा लेते हैं। ये लोग 72,000 के नाम पर झूठा दावा दिखा करके, झूठे फॉर्म दे करके वोट ले लेते हैं, और फिर बल्कि उसके बदले में 2.5-2.5 लाख करोड़ रुपये के घोटाले करेंगे, अपने बैंक के अकाउंट्स भरेंगे अपने आप। अभी आपने देखा कमलनाथ किस प्रकार से 2 दिन की यात्रा में ही करोड़ों रुपए उड़ा करके आया है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने हट रही हैं, अभी जो राजस्थान से जो खबर आई थी, हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही वहां पर हनुमान जयंती पर पथराव हुआ। एक और खबर राजस्थान से जो आई थी हमारे पास में, उस पर भी पथराव हुआ। घरों पर नकाब ओढ़ ओढ़ करके, बुरका पहन पहन के सीधे घरों पर पत्थरबाजी की है, जो पहली बार हुई है। और ऐसा होना इस बात का संकेत देता है कि इन लोगों की यदि कोई भी पार्टी जिनको ये समर्थन करते हैं और जो इनको समर्थन करती है, अगर वो आ जाती है तो वो हिंदुओं का जीना दूभर कर देती है। और ये तब है कि जब वो केवल यहाँ पर 18-20% है, जबकि वो 25-30 करोड़ हैं। अगर वो लोग और अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे और कोई इनके ऊपर अंकुश लगाने वाली सरकार नहीं आई, तो उस समय पर आपका क्या हाल होगा? ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको इतिहास से सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी के सभी केवल और केवल भाजपा गिराना चाहते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इनकी खुली लूट बंद हो चुकी है और उस लूट को वापस से ये लोग लेना चाहते हैं। अभी दिल्ली में गौतम गंभीर के सामने आतिशी मरलीन नाम की एक महिला आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। अब वो स्त्री खुलेआम जनता के सामने क्या कहती है, वो आप खुद सुनिए। हमारी एक जानकार है वहां पे, उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोअलिशन को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है।
दोस्तों इन लोगों की बात जो है वो कट टू कट क्लियर है कि आप चाहे गुंडे को वोट दें, बदमाश को वोट दें, किसी को भी वोट दें, समाजवादी पार्टी को दें, बसपा को दें, किसी को भी वोट दे दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, गुंडे को जिताओ, लेकिन अगर कोई सीधा साधारण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है तो उसको मत जिताओ। लेकिन ये वही सपा और वही बसपा है जिनकी खुद की सभाओं में माननीय श्री श्री अखिलेश यादव जी उस समय पर स्टेज पर खड़े हुए थे। बसपा और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और खुद ही मंच पर ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से एक दूसरे के पार्टियों के झंडे तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने शुरू कर देते हैं। ऐसी पार्टियों में जिसमें आंतरिक गठबंधन ही नहीं है, वो लोग जो एक दूसरे को अभी से ही गालियां देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसे ठग बंधनों को चुने जिनके पास में आज प्रधानमंत्री पद का कोई ना चेहरा है, ना दावेदार है, ना कोई उनकी तरफ से खड़ा होने वाला जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको जिताएं या फिर वो व्यक्ति जो खुद एक चेहरा बन करके और इस देश की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से मेरी अपील है कि आप सभी जागरूक नागरिक बने और अपनी जनता को जागरूक करने का प्रयास करें। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। जन जागरूकता अभियान में हमारे सहयोगी बने, इन वीडियोस को शेयर किया करें। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।